जीत के रथ पर सवार बीजेपी अपनी अपनी विजय यात्रा को बरकरार बनाए रखना चाहती है। ऐसे में गुजरात चुनाव बीजेपी के साख का चुनाव है, इसलिए शाह की टीम कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। गुजरात जीतने के लिए बीजेपी ने जमीनी स्तर पर प्रचार के अलावा सोशल मीडिया से लोगों तक पहुंच बनाने के लिए स्पेशल वॉर रूम बनाया है, जिसके तहत प्रदेश के 3 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर और सूरत में 150 लोगों की टीम 24 घंटे काम करके प्रचार करेगी। साथ ही हर रोज 30 लाख लोगों को टारगेट करेगी। सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव होने के लिए अमित शाह ने मीटिंग की। प्रदेश चुनाव समिति की जिलेवार चल रही चर्चा के दौरान अमित शाह ने बीजेपी के सोशल मीडिया के नेशनल हेड अमित मालविया के साथ बातचीत की। उत्तर प्रदेश में हिट हुए फॉर्मूले के मुताबिक अब गुजरात में चुनाव प्रचार किया जाएगा। गांधीनगर में बीजेपी ने स्पेशल वॉर रूम बनाया है, जिसमें रीजनल टीवी चैनल्स पर चलने वाली न्यूज के आधार पर राज्य की सभी एक्टिविटीज पर नजर रखी जाएगी। 4 जोन में छोटी छोटी खबरों की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। वॉर रूम में 7 LED टीवी का अरेंजमेंट किया गया है। इसमें 3 नेशनल न्यूज चैनल और 4 रीजनल चैनल्स की 24 घंटे रिकॉर्डिंग होगी। इसमें सबसे जरूरी घटनाओं का बीजेपी की सोशल मीडिया टीम इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा राज्य के टॉप न्यूज़पेपर में छपी पॉलिटिकल न्यूज पर भी नजर रखी जाएगी। व्हाट्सएप के जरिए बीजेपी की टीम रोजाना 30 लाख लोगों को मैसेज भेजेगी। टीम को 25 मैसेज भेजने का टारगेट दिया गया है। युवकों, महिलाओं, वकीलों, डॉक्टरों, प्रोफेशनल, कारोबारियों और समाज के मुखिया तक मैसेज भेजने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस के साथ सोशल वॉर करने के लिए बीजेपी 150 से ज्यादा प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स की मदद लेगी, जिसमें सोशल मीडिया के एक्सपर्ट, मीडिया ऑब्जर्वर, कंटेंट राइटर, वीडियो एडिटर, ग्राफिक्स एडिटर, टेक्निकल टीम समेत अलग अलग फील्ड के जानकारों को काम सौंपा गया है।